हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा रही थी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर हम कल की क्लास के अंदर हम पढ़ चुके थे एल्डिहाइड और कीटोन के नॉमेनक्लेचर एंड उनके प्रिपरेशन एंड उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी स्ट्रक्चर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, तो इसीलिए आप लोग पेन और कॉपी लेकर बहुत ध्यान से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों का स्टार्ट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़? तो देखिए, जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है अपने एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर, क्या होता है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, ये कैसा है, पोलर है, ठीक है, पोलर है। तो इसके अंदर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पर। पोलर क्यों है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। अब इसमें जो अटैक करता है वो कौन सी स्पीसीज होती है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्शियली, ठीक है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा। अब देखते हैं कि कार्बन पर अटैक करके ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाएगा और इसकी दो वैलेंसी पहले से ही सेटिस्फाई है। तो यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो अपनी स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्लेनर होती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर देन इसका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, टेट्राहेड्रल हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं ए न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफाइल कार्बन एटम, ये कैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल कार्बन एटम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ऑफ द पोलर कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम द डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, जो कि कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के कार्बन एटम, जो कि ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है उससे अटैक करेगा, किस तरीके से, जैसे अपना कार्बोनिल ग्रुप इस प्लेन के अंदर है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो या तो ऊपर से आएगा या फिर नीचे से आएगा, ठीक है, इस तरीके से अटैक करता है। बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी की, तो देखिए फिर आगे द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंज, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंज होता है sp2 से sp3 के अंदर। इन दिस प्रोसेस अ टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट इज प्रोड्यूस्ड। तो देखिए किस तरीके से, ये अपनी प्लेनर प्लेन के अंदर स्ट्रक्चर थी, इसने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ठीक है, ये स्लो प्रोसेस हुआ, इसके अंदर क्या बना हमारा, ये एल्कोक्साइड आयन बना जो कि कैसा है, टेट्राहेड्रल। अब इस पर H+ आकर अटैक करता है जो कि फास्ट रिएक्शन करता है, देन हमारा क्या बन जाता है, एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं रिएक्टिविटी क्या आती है इसकी, ठीक है, तो रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो अपने पास एक तरफ एल्डिहाइड है और दूसरी तरफ अपना कीटोन है, ठीक है। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कैसे पहचाना अपन ने, HCHO से, ठीक है। ये कीटोनिक ग्रुप है, दोनों तरफ क्या है अपने, एल्कोक्साइड, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये क्या है अपना, कीटोनिक ग्रुप है। अब इसके अंदर देखिए, जब ये बॉन्ड पोलर होता है, इस पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करने की कब सोचेगा, जब ये पोलर होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या आया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर देखते हैं कि इस आर ग्रुप का क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, आर ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये कम करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम होगा। लेकिन जो ये H है, इसका आई इफेक्ट कैसा है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने देखा कि इसके प्लस आई इफेक्ट देने वाला कौन है, एक ही एल्किल ग्रुप है, तो थोड़ा कम करेगा इसके पॉजिटिव चार्ज को। अब बात करते हैं इसकी, इसके अंदर देखिए दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और यहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा, कम होगा।
तो कम होगा, तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पॉजिटिव चार्ज कैसा लगेगा? कम लगेगा, कम फील होगा, तो कम फील होगा तो यहाँ अटैक इजीली नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात आती है, यहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तो छोटा सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये सोचता है चल छोटे ग्रुप की तरफ से अटैक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो दो दो पुलिस वाले खड़े हुए हैं, ये आर ग्रुप क्या है, दो दो पुलिस वाले, मैं स्टेरिक हेंड्रेंस को पुलिस वाले ही बोलूंगी, क्योंकि अब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो देखेगा अरे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, तो क्या करेगा, नहीं जाएगा यहाँ पर अटैक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी अटैक कम होता है। तो बात करते हैं रिएक्टिविटी की, तो एल्डिहाइड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो एल्डिहाइड कैसे होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स के कंपैरिजन में, किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। क्यों, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर वही पुलिस वाला फैक्टर। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक रीजन, इलेक्ट्रॉनिक रीजन मतलब प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, देखिए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, ये क्या बन गया अपना फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसके अंदर तो एक आर ग्रुप और था, यहाँ पर तो दोनों ही क्या है, हाइड्रोजन, दोनों ही छोटे ग्रुप हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से भी ज़्यादा होती है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड की एसिटाल्डिहाइड से ज़्यादा होती है, किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो आई इफेक्ट कम लग रहा है इसका, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर हमने देखा कि एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कीटोनिक ग्रुप से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो इसके अंदर हमें एडिशन कराना है। एडिशन रिएक्शन के अंदर हमने क्या देखते हैं कि पहले जो अटैक कर रहा है वो कैसी होनी चाहिए, अपनी स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होनी चाहिए, ठीक है। अटैक किस पर करेगी, हमारे कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर करेगी, ठीक है। यहाँ पर H भी हो सकता है और R भी हो सकता है। अब ये इस पर अटैक करेगी और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी, और यहाँ ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। देन उसका हाइड्रोलाइसिस या प्रोटोनेशन करा के हम इसको सेटिस्फाई कर देते हैं, इसके ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन देखना है, ठीक है। एक मिनट इसको रब कर देती हूँ। HCN, ठीक है, पहले हम क्या करें, इसकी OH- के साथ रिएक्शन करा के H2O को निकाल दें, और क्या जनरेट करा रहे हैं, CN नेगेटिव। अल्टीमेटली अपने पास क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल। अब ये CN- किस पर अटैक करेगा, इस कार्बोनिल वाले कार्बन पर अटैक करेगा, तो क्या बना लेगा, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेगा। फिर इसका क्या कर दें, प्रोटोनेशन करा दें, तो क्या बन जाएगा, अपना साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, लर्न रखना है, ठीक है। कुछ भी नहीं है रिएक्शन के अंदर, क्या प्रोडक्ट बनेगा ये सब आप जानते हैं, बस आपको ये पता करना है कि किसके अंदर बॉन्ड ब्रेक होगा, किसके अंदर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बनेगी और कौन सी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनेगी। HCN का अपन ने बॉन्ड ब्रेक कराया तो क्या बना, CN- नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बनी, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज ने इस पर अटैक कर दिया कार्बोनिल वाले कार्बन पर, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये है, अब इसके अंदर देखिए मेटल पर हमेशा और हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, तो Na+ अगर इसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो HSO3 नेगेटिव बन जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज किस पर अटैक कर देगी, इस पर कार्बोनिल वाले कार्बन पर अटैक करेगी, तो क्या बना देगी, HSO3 बना देगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पर क्या जुड़ गया, Na+, ठीक है, तो क्या बन गया, ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। अब Na+ है, ये इस कंडीशन में तो स्टेबल है नहीं, इसका अगर प्रोटोनेशन कराते हैं तब क्या होगा, यहाँ से Na+ निकलेगा और OH जुड़ जाएगा, H+ यहाँ पर आकर फिट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अपना बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बन जाएगा, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर मिलता है। अब एडिशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है, बस ये सब तो आप ही कर सकते हैं। देखिए देखिए बहुत ही ईजी है, एक जैसा पैटर्न चल रहा है अपना कि आर ओ
हमें देखना है कि कौन सा नेगेटिव पार्ट है, तो H प्लस पॉजिटिव, आर ओ नेगेटिव। इस नेगेटिव पार्ट ने किस पर अटैक किया, कार्बोनिल वाले कार्बन पर। इस पर अटैक करके इसने क्या बनाया, देखिए इसने, मैं यहाँ बना देती हूँ, इसने एक मिनट, इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ अटैक किया, तो ओ आर यहाँ जुड़ गया, ओ आर डैश, ठीक है, डैश है, और ओ पर नेगेटिव चार्ज आया जो H प्लस था, वो यहाँ आकर जुड़ गया, क्या बना लिया, हेमी एसिटेल, ठीक है। एल्डिहाइड के आर ओ एच के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बन जाता है, हेमी एसिटेल, ठीक है। देन वापस इसका क्या करा दिया हमने आर ओ एच के साथ, क्योंकि बहुत सारी मात्रा के अंदर था हमारे पास एल्कोहल, ठीक है, तो इसने वापस एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ तो रिएक्शन होगी नहीं, एल्कोहल की रिएक्शन किससे होगी, इससे ओ एच ग्रुप से होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ओ एच ग्रुप हटेगा, पूरा का पूरा ग्रुप हटेगा और ओ आर डैश आ जाएगा, तो क्या बन गया, एसिटेल फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है इसी के अंदर एडिशन ऑफ ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का एडिशन कुछ भी नहीं है, आर आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, साथ में ओ एच सी एच टू सी एच टू ओ एच, कुछ नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल निकालो इस तरीके से, एक मिनट, ऑक्सीजन आ गया इसके बीच में, ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन मान लो, वाटर मॉलिक्यूल निकालो, वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद क्या बन गया, इथाइलीन ग्लाइकॉल कीटेन, देखिए इथाइली, ये इथाइली ग्लाइकॉल और ये क्या है, कीटेन, ठीक है। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, और बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है, अपन को वाटर मॉलिक्यूल निकालना है और डबल बॉन्ड खींच देना है, तो देखिए पहले हम अमोनिया डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होते हैं अमोनिया डेरिवेटिव, देखिए ये क्या है अपना अमोनिया है, चाहे मैं इसको इस तरीके से लिखूं, चाहे मैं इसको इस तरीके से लिखूं, NH2 पर नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, आज के बाद आप लोग ऑर्गेनिक के अंदर NH3 ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या है, कार्बोनिल, कार्बोनिल है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो और साथ में जोड़ दो, क्या बन जाएगा, इमीन बन गया। अब इसका डेरिवेटिव कौन से हो सकते हैं, NH2, अगर इस पर R ग्रुप जोड़ दिया तो क्या बन गया, प्राइमरी अमीन, एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, अगर दूसरा ही NH2 ग्रुप जोड़ दिया तो हाइड्रेजीन, ठीक है, अगर इससे 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 ही, एक मिनट, इससे ही फिनाइल रिंग जोड़ दी, फिनाइल हाइड्रेजीन, ठीक है, अगर इससे क्या जोड़ दिया, OH ग्रुप, ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। अब देखिए इनकी रिएक्शन किस तरीके से होती है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके H2O मॉलिक्यूल निकला, क्या बन गया, इमीन बन गया, ठीक है, एमीन के साथ रिएक्शन करके वो H2 निकल गया, H2O निकल गया तो क्या बन गया, सब्स्टिट्यूटेड इमीन बन गया, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन अभी बताया था NH2OH, ठीक है। अब इसके अंदर किसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम, एल्डिहाइड या कीटोन के, कार्बोनिल की, H2 मॉलिक्यूल निकाला तो क्या बना, ये बन गया, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिम, ये याद रखना है आपको, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऑक्सिम्स, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, शिफ बेस बोलते हैं, ठीक है, ये आपको लर्न रखना है कि कौन सा शिफ बेस है और कौन सा ऑक्सिम फॉर्म कर रहा है। अब इसके बाद तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हाइड्रेजीन होगा, ठीक है, ये हाइड्रेजीन है तो जो प्रोडक्ट बनेगा H2O निकलने के बाद, तो I की जगह आपको क्या लगा देना है, O, ठीक है, तो हाइड्रेजीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रेजोन, ठीक है, फिनाइल हाइड्रेजीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, फिनाइल हाइड्रेजोन, क्या निकालना है अपन को, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, 2,4-dinitrophenyl हाइड्रेजीन, तो 2,4-dinitrophenyl हाइड्रेजीन क्या होगा, अपनी बेंजीन रिंग है, देखिए ये फिनाइल हाइड्रेजीन थी, ठीक है, अब 2,4-dinitrophenyl हाइड्रेजीन, तो देखिए सेकंड पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिए और फोर्थ पोजीशन
पोजीशन पर भी नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या बन गया अपना 2,4-dinitrophenylhydrazine, ठीक है। अब इसके अंदर जो वाटर, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें हम, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, कीटोन के साथ, तो क्या बनाया, ये वाला प्रोडक्ट बन गया, इसको क्या बोला 2,4-dinitrophenylhydrazone, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अगर सेमी कार्बेजाइड के साथ कराते हैं, सेमी कार्बेजाइड क्या होता है, NH2 सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, यहां पर एक मिनट, NH2 इसको क्या बोलेंगे, सेमी कार्बेजाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं, कीटोनिक ग्रुप के साथ कराएंगे, तब क्या बन जाएगा हमारा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, सेमी कार्बेजोन, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है समझ। ये सारे क्या थे, अमोनिया के डेरिवेटिव हुए, क्यों, क्योंकि अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने पहले, देखिए अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके पहले हमने ये बनाया, ठीक है, फिर आर ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया, फिर OH के साथ रिप्लेस किया, फिर NH2 के द्वारा रिप्लेस किया, फिर इस ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया, फिर 2,4-dinitrophenyl के साथ किया, फिर देन इसके साथ किया, ठीक है। तो ये हुए अपने अमोनिया डेरिवेटिव, आया आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट है आप लोगों का रिडक्शन, रिडक्शन के अंदर हम देखते हैं कि एल्डिहाइड, ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है, इसका अगर हम रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन कराएंगे तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल के अंदर, ठीक है। अगर हमारा कीटोन है, इसका अगर हम रिडक्शन कराते हैं, इसका अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो ये किसके अंदर चेंज हो जाता है, सेकेंडरी एल्कोहल के अंदर, ठीक है। हम यही तो पढ़ रहे थे कि प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तब वो किस में चेंज हो जाते हैं, कीटोन, जब हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तब वो प्राइम, तो किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, एल्डिहाइड के अंदर। जब हम सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो किसके अंदर चेंज होते हैं, कीटोन के अंदर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि रिडक्शन कर रहा है एल्डिहाइड, रिडक्शन करके क्या बना रहा है, प्राइमरी एल्कोहल, और क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर हमारा कीटोनिक ग्रुप का हम रिडक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म होता है, और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, बस दो रिएजेंट याद रखनी है आप लोगों को, सोडियम बोरोन हाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सोडियम बोरोन हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन होगा या फिर लिथियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन होगा, तब अपना क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर तो किसका, किसके अंदर चेंज हो रहा था, एल्कोहल के अंदर, ठीक है। और फर्दर अगर रिड्यूस कराते हैं तो ये किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, एल्केन के अंदर, ठीक है। तो क्लीमेंशन साइंटिस्ट आए, क्लीमेंशन साइंटिस्ट ने क्या किया, जिंक अमलगम लिया और HCl लिया, जिंक अमलगम लिया और HCl लिया, उसने रिड्यूस कराया किसको, कार्बोनिल ग्रुप को, तो किसके अंदर चेंज हो गया, वो हाइड्रोकार्बन वाले ग्रुप के अंदर, मतलब एल्केन के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। क्लीमेंशन ने किसकी प्रेजेंस में कराया, HCl की, एसिड की प्रेजेंस में। लेकिन वोल्फ किशनर साहब आए, तो वोल्फ किशनर ने बोला कि भाई मैं तो HCl नहीं लूंगा, मैं तो बेस की प्रेजेंस में कराऊंगा, बेस की प्रेजेंस में कराऊंगा और सेम प्रोडक्ट बनाऊंगा, मतलब एल्केन ही फॉर्म करूंगा। तो उसने बोला कि मैं रेजेंट दूसरा लूं, कौन सा रेजेंट ले लूं, हाइड्रेजीन ले लूं, हाइड्रेजीन की प्रेजेंस में करा दूं रिडक्शन, तब अपना क्या बन जाएगा, एल्केन फॉर्म हो जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, वोल्फ किशनर रिडक्शन। समझ में आया, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड के अंदर क्लीमेंशन ने क्या लिया, जिंक अमलगम और HCl, क्या बनाया, एल्केन फॉर्म किया, और इसके अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप के रिडक्ट कराने के लिए इसने क्या लिया, हाइड्रेजीन लिया और क्या लिया, बेस लिया, बेस की प्रेजेंस में इथाइलिन ग्लाइकोल और हीट करा दिया, तब अपना क्या बन गया, एल्केन फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब होता है, ये अपना एल्डिहाइड है, एल्डिहाइडिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा तब क्या होगा, एक मिनट,
एल्डिहाइडिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा तब अपना क्या बनेगा, उसका एसिड फॉर्म हो जाएगा, एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म रेस्पेक्टिव एसिड्स, ठीक है। इफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सेलेनियम डाइऑक्साइड, अगर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, सेलेनियम डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, जैसे अपना ये किसके लिए अप्लाई करता है, जब अपना इसका पड़ोसी होता है कोई, इसका पड़ोसी देख लीजिए, इसका पड़ोसी कौन है, इस कार्बोनिल का मिथाइलिन ग्रुप। तो जब मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसका पड़ोसी ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, सेलेनियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में उसके जैसा हो जाता है, मतलब ये वाला ग्रुप इस वाले ग्रुप के जैसा हो जाता है, इसको देखकर पड़ोसी के जैसा हो जाएगा। इफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सेलेनियम डाइऑक्साइड देन अल्फा मिथाइलिन ग्रुप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्सीडाइजेस इनटू दिस ग्रुप एंड रिजल्टेंट डाइकार्बोनिल कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। और जो ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो क्या है, डाइकार्बोनिल। तो देखिए कुछ भी लर्न नहीं रखना है, सेलेनियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर पड़ोसी है तो पड़ोसी उसके जैसा ही हो जाना है, ठीक है। तो देखिए अगर पड़ोसी नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो देखिए इसके अंदर पड़ोसी दिख रहा है, मिथाइलिन ग्रुप है नहीं है, तो ये रिएक्शन यहाँ होगी ही नहीं। इसके अंदर पड़ोसी है, मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन होकर किस में चेंज हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के अंदर चेंज हुआ और क्या बना, ग्लाइऑक्सिल फॉर्म कर लिया। समझ में आया, बहुत ही ईजी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना है, पड़ोसी को पड़ोसी के जैसा बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है या फिर कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। अब इसके अंदर पर एसिड्स की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो पहले हम पर एसिड्स देख लें क्या होते हैं। तो देखिए बेंजोइक एसिड है, मान लो यहां पर C6H5 C डबल बॉन्ड OOH, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड के बीच में एक ऑक्सीजन और आ जाए, ठीक है, तो इसके क्या लग जाते हैं, पर लग जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पर बेंजोइक एसिड, ऐसे बोलते हैं ना, इसके तो पर लग गए, इसमें ऑक्सीजन लग जाता है तो इसके भी पर लग जाते हैं, तो ये पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब ये है एसिटिक एसिड, ठीक है, इसमें भी एक ऑक्सीजन बीच में आ गया तो इसके भी पर लग गए, तो ये पर एसिटिक एसिड हो गया। ये ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड है, ठीक है, लेकिन जब इसके भी पर लग जाते हैं, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये पर एसिड्स की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है कौन सी, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके पर किस तरीके से लगाता है ये एल्डिहाइड और कीटोन के। तो देखिए इसके अंदर एल्डिहाइड लिया या फिर कीटोन लिया, पर एसिड्स की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो इसके बीच में भी ऑक्सीजन ऐड करा देता है, इसके जस्ट बाद ये ऑक्सीजन ऐड करा देता है, तो क्या बना देता है, एस्टर फॉर्म कर देगा। क्या बनेंगे ये, एस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं। और देन एस्टर्स का हाइड्रोलाइसिस हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अल्कोहल के अंदर, तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होगा तब हमारा क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तो RC डबल बॉन्ड OH और R-OH, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, सॉरी यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है और अपना ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर इसका एग्जांपल है, अब जैसे इसके पर लगाने हैं तो यहां पर या तो इस तरफ ऑक्सीजन जोड़ेगा या फिर इस तरफ ऑक्सीजन जोड़ दें, जोड़ दो भाई, ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो एक रिंग का कार्बन इंक्रीज हो जाएगा, तो ये कैसी होगी, 6 मेंबर रिंग होगी, पर एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, बहुत इजी रिएक्शन है, कुछ करना पड़ा क्या, ऑक्सीजन तो ऐड करना है पर के नाम पर, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन को किस तरीके से पहचाना जा सकता है, कि जैसे कुछ रिएक्शंस तो खाली एल्डिहाइड ही देते हैं, कुछ रिएक्शन खाली कीटोन्स देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि एल्डिहाइड कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, ठीक है, रिएक्शन शोन बाय एल्डिहाइड ओनली। तो टॉलाइंस टेस्ट क्या होता है, पहले टॉलाइन रिएजेंट के बारे में देख लेते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर प्लस को सेटिस्फाई करने के लिए नाइट्रेट और जुड़ा हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी जा रही है, RCHO के साथ करा दी जा रही है, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ कराई जाएगी, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप की वजह से ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, एजी प्लस रिड्यूस होके किस में चेंज हो जाती है, एजी पीपीटी के अंदर चेंज हो जाती है, किसके अंदर हो जाती है, सिल्वर पीपीटी के अंदर, मतलब एजी प्लस की फॉर्म में था यहाँ पर। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और इसका खुद का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव की फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन हो गया और खुद का इसका रिडक्शन हो गया। तो ये क्या कर रही है, सामने वाली मेटल को रिड्यूस कर रही है, तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है इसके अंदर। फैलिंग टेस्ट, फैलिंग टेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि फैलिंग सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, एक तो फैलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरा आता है फैलिंग सॉल्यूशन बी। तो फैलिंग सॉल्यूशन ए के बारे में देखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं फैलिंग सॉल्यूशन ए। जो फैलिंग सॉल्यूशन ए है वो कैसा होगा, ब्लू कलर का, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो जली विलयन होता है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फैलिंग सॉल्यूशन बी, ये कौन सा होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोशेल सॉल्ट, ठीक है, इसके अंदर आता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये आता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है इसके अंदर एल्डिहाइडिक जो ग्रुप होता है, ठीक है, इसमें अपन ने देखा फैलिंग सॉल्यूशन ए के अंदर क्या था, कॉपर सल्फेट था, तो जो कॉपर सल्फेट है उसको किसके अंदर रिड्यूस कर देता है, Cu2O के अंदर चेंज कर देता है। Cu2O मतलब यहाँ पर कॉपर प्लस टू की स्टेट में है और यहाँ पर कॉपर प्लस की स्टेट में है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है और खुद का क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब इसका कॉपर का, कॉपर प्लस टू से कॉपर प्लस में आता है तब इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड ब्राउन पीपीटी हो जाता है। ये इससे अपन को पता चलता है कि अपने पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो देखिए फैलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट कौन दे रहा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप दे रहा है, कीटोनिक ग्रुप नहीं देता है, कीटोनिक ग्रुप नहीं देता है। और एरोमेटिक एल्डिहाइड, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं ना, वो भी फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, ये है अपना क्या एरोमेटिक एल्डिहाइड, वो भी नॉट रेस्पॉन्ड दिस टेस्ट, ये टेस्ट रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है आप लोगों का बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम साइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये बी है। अब इसके अंदर एसिड एल्डिहाइड है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो जो कॉपर ऑक्साइड है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, कॉपर प्लस के अंदर, यहाँ पर Cu प्लस टू है, इसके अंदर Cu प्लस के अंदर चेंज हो जाएगी, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन हुआ तो क्या हुआ, इसका कलर चेंज हो जाएगा, किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का, तो ये टेस्ट दे देगा कौन, ये, और किसके अंदर चेंज हो रहा है, ये एसिड के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट, शिफ्ट रिएजेंट मतलब अपना कोई शिफ्ट रिएजेंट लिया अपन ने जिसका कलर कैसा है, मैजेंटा डाई है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी जाती है, SO2 के साथ, शिफ्ट रिएजेंट है उसका कलर मैजेंटा डाई है, उसकी रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराई जा रही है, तब अपने को सॉल्यूशन जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, कलरलेस सॉल्यूशन मिल रहा है। लेकिन जब उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाएगी, एसिड एल्डिहाइड के साथ कराई जाएगी, तब ये कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है, कैसा मिल जाता है, पिंक कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो अपने को पता चल जाएगा कि ये इसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट भी अपना कौन सा देता है, एल्डिहाइड। देखिए आप लोगों के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, निम्न में से एल्डिहाइड टेस्ट देता है, फैलिंग टेस्ट, ठीक है, नेक्स्ट आता है बेनेडिक्ट टेस्ट, शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज, तो आ जाएगा अपना ऑल ऑफ दीज, ठीक है। रिएक्शन शोन बाय कीटोन्स ओनली, कीटोन के द्वारा कौन कौन सी रिएक्शन दी जाती हैं, तो देखिए नाइट्रस एसिड के साथ, ये अपना कीटोन है CH3, ये CH3, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ठीक है, इसको खोल कर रखा हुआ है इसीलिए ये इस तरीके से दिख रहा है। तो इसके अंदर नाइट्रस एसिड के साथ ये क्या है, HNO2, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ऑक्सीमिनो एसीटोन फॉर्म हो जाता है, क्या मिलता है, ऑक्सीमिनो एसीटोन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन दे रहा है, सिर्फ कीटोन देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का रिएक्शन विद मेटा डाइनाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, तो देखिए एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है, मेटा डाइनाइट्रो बेंजाल्डिहाइड के साथ कराई जा रही है, तो अपन को क्या मिल रहा है, ब्लू कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ये रिएक्शन केवल कौन देता है, एसीटोन देते हैं जिनके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन,
अब हम ये समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन की वजह से कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। तो देखिए, अपना CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर कोई भी CH3 ग्रुप है या फिर हाइड्रोजन है, तो देखिए यहाँ पर ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। इसके अंदर जो इसकी अल्फा पोजिशन पर जो कार्बन है उसको अल्फा मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, और इस पर जो अल्फा जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और ये भी क्या हुए, अल्फा हाइड्रोजन। इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन की वजह से कौन सी रिएक्शन होती है, तो देखिए इसमें क्या होता है, मेनली आपको मैं बता देती हूँ, ये भी एक ही तरीके से चलेंगी रिएक्शन, ठीक है। जैसे अपना एडिशन चल रहा था वैसे ही अपना ये चलेगा। तो देखिए इसके अंदर R C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर CH2 और ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है इसके अंदर, ठीक है। तो एसिडिक होगा तो यहाँ पर कोई OH माइनस आएगा, कोई बेस आएगा, इस H को निकाल कर चला जाएगा। OH माइनस आया, इसने एसिडिक मतलब एसिडिक हाइड्रोजन को लिया और लेकर चला गया, तो यहाँ पर क्या छोड़ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पर कोई भी बेस आया अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके और इसने इसको दिए और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये यहाँ छोड़कर चला जाता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, यहाँ पर ये दिए इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ये अल्फा हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन शो करता है। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन है इसकी हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो देखिए ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, इसके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ हेलो करता है, सोडियम हाइपो हेलो कंपाउंड के साथ करता है, ठीक है। इसके अंदर देखिए R C डबल बॉन्ड O CH3 है, ठीक है, किसके साथ हेलो करेगा, NaOX के साथ हेलो करता है, ठीक है, इसके साथ हेलो करेगा। लेकिन जब ये हेलो करता है, ये वाला कंपाउंड इसके साथ हेलो करता है तो क्या करता है, ये देखता है कि इसके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। देखिए इसके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, इसने देखा अरे इसके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, बस इसको ये चाहिए कि इसके पास ये हो। जैसे हम देखते ना कि हम किससे हेलो करें, कि कई बार बोलता है सोचते हैं हम कि कोई बहुत अच्छा बोलता है तो हम उससे हेलो करें, जिसको जैसा पसंद आता है उसको, तो इसको ये पसंद आ रहा है इसके अंदर कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा तभी मैं इसके साथ हेलो करूँगा और देन क्या बनाऊँगा, क्लोरोफॉर्म बनाऊंगा, CHCl3 फॉर्म करूंगा, ठीक है, और क्या बना दूंगा, एसिड फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, इसने देखा यहाँ पर, देखा इस साइड तो नहीं है, इस साइड है ये वाला ग्रुप, तो इसने इसके साथ हेलो किया NaOCl ने, ठीक है, इसने हेलो किया, देन यहाँ पर इसने इसका क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया, इसका ऑक्सीडेशन करके क्या बनाया, एक ऑक्सीजन बीच में आया, ठीक है, और Na जुड़ गया, और यहाँ पर पूरा ग्रुप ये वाला निकल के क्या बना लेता है, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म फॉर्म कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हम देखते हैं वही सेम चीज है, समझिए CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इसके दो मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं, तो देखिए पहले क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, कि ये वाला जो CH3 है ये कैसा है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो देखिए इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं CH2 और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस पर कोई बेस आया यहाँ पर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ये चला गया इसको लेके और यहाँ क्या छोड़ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है ये लेके चला गया, अब ये जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो किस पर अटैक करेगी, इसके दूसरे मॉलिक्यूल पर, दूसरे मॉलिक्यूल पर क्या है, वो पोलर है। अब यहां पर क्या है, एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल बन गया, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल, इसने इस पर अटैक किया और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए, इधर शिफ्ट होते ही क्या बन गया अपना प्रोडक्ट, देखिए CH3 सी डबल बॉन्ड ओ की जगह नेगेटिव, फिर यहां CH और इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा, ये वाला CH2 और CHO, ये ग्रुप जुड़ा, ठीक है। अब ये जुड़ने के बाद अपन का जो प्रोटॉन निकला था वो यहाँ प्रोटोनेटेड हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप जो था
वो प्रोटोनेटेड होने वाला था, तो प्रोटोनेटेड होके ये बना लेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, इसको हीट करते हैं, देन इसको अगर हम हीट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा और इसके पास वाला कार्बन कौन सा, ये वाला, इससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो माइनस H2O डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तब क्या होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO फॉर्म हो जाएगा। इसका नाम क्या है, ब्यूट टू इनेल, यही वाला कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लर्न रखिए, ठीक है। अब देखिए इसका मैं शॉर्टकट तरीका बताती हूँ कि ये सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा। सीधा प्रोडक्ट कैसे बनेगा ये भी समझ लीजिए, अपन के पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि पूरा रिएक्शन करके देखेंगे। तो देखिए हम देखिए अपने पास दो मॉलिक्यूल थे, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और ये हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, इसका हमने ऑक्सीजन लिया, इसका हमने हाइड्रोजन लिया, ठीक है, इसका इसके अंदर डबल बॉन्ड था, ठीक है, तो दोनों के बीच CH3 डबल बॉन्ड खींच दिया, कार्बन, इसके पास क्या बचा, एक हाइड्रोजन H2 निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ CHO और ये CH बन गया, अपना यही प्रोडक्ट तो बन रहा है, देख लीजिए, ठीक है। अब जिसके अंदर CHO आ रहा है, जिसके अंदर जुड़ा हुआ CHO आ रहा है तो उसका कौन सा यूज आया, मिथाइलिन ग्रुप का H2, और जिसके अंदर CHO ग्रुप नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, उसका ऑक्सीजन रिप्लेस होया है। तो ये आपको समझना है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट है, आप लोग इसका निकाल सकते हैं इजीली क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए मैंने दोनों लिख देती हूँ, दोनों तरीके से करके बता दूंगी, अभी दोनों लिख देती हूँ। देखिए यहाँ पर CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 है, ठीक है, इसको रब कर देती हूँ। अब देखिए एक और मॉलिक्यूल आता है अपना CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ठीक है। अब एक का तो अपन को ऑक्सीजन हटाना है और एक का अपन को H2 निकालना है, तो यहाँ पर अपन H2 लिख दें और यहाँ हाइड्रोजन हटा दें, यहाँ पर H, तो इसका हमने इस तरीके से हटा दिया, क्या बन गया CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर CH सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ठीक है, और इस साइड क्या बचा अपना CH3, ठीक है, तो क्या बन गया देखिए प्रोडक्ट के अंदर, यही बन रहा है CH3, क्या बन रहा है CH कार्बन है, कार्बन से दोनों CH3 जुड़े हुए हैं, देन उसके बाद डबल बॉन्ड है CH सी डबल बॉन्ड ओ CH3। आ जाइए अभी इधर देखिए, अपन ने ये रिएक्टेंट लिया, इसके दो मॉलिक्यूल लिए अभी बताए थे, अब इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन कराई तो अपना डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बन गया, ये वाला फॉर्म हुआ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आप लोगों का आता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसके अंदर देखिए कि एक अपन ने रिएक्टेंट लिया ए, ठीक है, दूसरा रिएक्टेंट डिफरेंट एल्डिहाइडिक ग्रुप लिया या फिर कीटोनिक ग्रुप ले सकते हैं, वो बी है। अब इसके अंदर जब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा तब क्या होगा, ए ए के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाएगा, ए बी बी के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, और ए बी आपस में ए इस पर अटैक करेगा या फिर बी इस पर अटैक करेगा, तब अपन को फोर तरीके के प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए जब हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप एसिड एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो रिएक्ट करता है तब कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए CH3CHO, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, शॉर्ट ट्रिक से चले, यहां से ऑक्सीजन हटेगा और इसका अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला, तो यहां से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो क्या बनेगा अपना CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये फॉर्म हो जाएगा।
तो अपना ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट, जब ये वाला मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होता है तब कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो देख लेते हैं। CH3, CH2 और CHO, ठीक है। अब किसके साथ रिएक्ट करेगा ये वाला ऑक्सीजन? इसके अल्फा वाले हाइड्रोजन के साथ, CH3, CH2, CHO। इसने देखा यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकल कर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर तो दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो इसका कार्बन पर क्या आएगा? हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है। इससे क्या जुड़ा हुआ है? CH3। और इससे क्या जुड़ा हुआ है? CHO। तो ये वाला ग्रुप फॉर्म हुआ, ये कौन सा हुआ? 2-methyl-pent-2-enol, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है इसके अंदर, हम देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर कौन सा आता है, ये वाला। अब इसके अंदर देखिए CH3, CH2, CHO, ठीक है, ये वाला ग्रुप है। और किस पर अटैक कर रहा है? इस वाले ग्रुप पर, तो CH3, CHO, ठीक है। अब इसके अंदर इसका ऑक्सीजन और इसका ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसके दोनों हाइड्रोजन निकाल कर ले जाएगा तो -H2O हो जाएगा। तो क्या बना? देखिए CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CHO यही बनेगा। देखिए CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड C। तो देखिए इस पर इसका इस तरीके से अटैक कराते हैं तब अपना कौन सा बनता है प्रोडक्ट? पेंट टू इनेल, ठीक है। और जब हम इसका CHO यूज में लेते हैं और इसका क्या लेते हैं? मिथाइलिन ग्रुप, ये वाला ग्रुप, तब अपना कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ये वाला प्रोडक्ट। तो देखिए किस तरीके से बनता है। देखिए CH3, CHO, ठीक है, प्लस CH3, CH2, CHO। अब इसका अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा? ये वाला। तो ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे और ये वाला ऑक्सीजन निकलेगा। तो देखिए क्या निकला? CH3, CH, C, CH3 और CHO। बने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट। देखिए इन दोनों के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, CH3, CH, डबल बॉन्ड C, CH3, CHO। तो क्या बना अपना? 2-methyl-but-2-enol। तो 4 तरीके के प्रोडक्ट फॉर्म हुए, आप लोग इजीली बना सकते हैं। H2O मॉलिक्यूल निकालना है, किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ये बेस की प्रेजेंस में हो रही होती है ये रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है कैनिजारो रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर ये जो NaOH लेते हैं वो कितना लेते हैं? 50% NaOH लेते हैं। अब इसके अंदर देखिए ये रिएक्शन वो कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब बताइए इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? बिल्कुल है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन देखिए HC डबल बॉन्ड OH, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं है, क्योंकि ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। फिर अब बेंजाल्डिहाइड है, इसके अंदर यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? नहीं है, तो ये भी क्या करेगा? कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो कैनिजारो रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है? कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मेल्डिहाइड यूज में लिया। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? दो मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के यूज में आ रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो देखिए कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाएगा और कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। अब इसके अंदर तो हमारा सेम मॉलिक्यूल है, तो एक तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लिया? एसिड बना दिया। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा? एसिड फॉर्म हो जाएगा। और दूसरे ने क्या बना लिया? रिडक्शन होकर एल्कोहल फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं कैनिजारो रिएक्शन के अंदर। इसी के अंदर आती है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के अंदर देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये बेंजाल्डिहाइड है, दोनों ही आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किसका हम एल्कोहल फॉर्म करें और किसका हम क्या करें? एसिड फॉर्म करें, किसका ऑक्सीडेशन कराएं, किसका रिडक्शन कराएं। तो देखिए इसके अंदर जिसका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, ये वाला अपना एसिड बन रहा है,
अगर इससे अगर हम एसिड बनाते हैं तो ये बेंजोइक एसिड बन रहा है, इसका हम अगर एसिड बनाते हैं तो फॉर्मिक एसिड बन रहा है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, मोर एसिडिक होता है, तो इसका तो हमारा क्या बनेगा, एसिडिक फॉर्म एसिड फॉर्म होगा, लेकिन इसका क्या बनेगा, हमें हमारा एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए ये बेंजाइल एल्कोहल फॉर्म कर लिया। इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन होगा और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिडक्शन होगा, उसी मॉलिक्यूल के अंदर रिडक्शन होगा। देखिए दो CHO ग्रुप प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं ग्लाइऑक्सिल, इसके अंदर हमने कैनिजारो रिएक्शन कराई तो एक का क्या करा दिया ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या करा दिया रिडक्शन, तो हमें क्या मिला पोटेशियम ग्लाइकोलेट फॉर्म हो गया। इसको बोलते हैं इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या होता है दो मॉलिक्यूल लेते हैं एक जैसे जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, फिर एक का ऑक्सीडेशन करा देंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तब क्या बनते हैं एसिड्स फॉर्म होते हैं, और रिडक्शन कराते हैं तब क्या बनते हैं एल्कोहल फॉर्म करते हैं। ठीक है नेक्स्ट है आप लोगों का पार्किन रिएक्शन। पार्किन रिएक्शन के अंदर हम लेते हैं रिएक्टेंट क्या बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड समझते हो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इसके साथ रिएक्शन कराई जाती है किसकी प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड। किसकी प्रेजेंस में कराई जाती है सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में। सोडियम एसीटेट क्या है सॉल्ट, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाएगी और क्या बन जाता है हमारा सिनेमिक एसिड फॉर्म हो जाता है। ठीक है अब इसके अंदर देखिए क्या होता है डायरेक्ट बता देती हूँ रिएक्शन के अंदर। एसिटिक एनहाइड्राइड समझ में आ रहा है ये है। अब इसके अंदर हमने जो एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है इसका जो ये वाला ये सी डबल बॉन्ड है और इसका जो ये वाला कार्बन है इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो कैसा है अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए इसके अंदर देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 इसके अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन है सॉरी इसके अंदर CH2 और देन CH3 इसके अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो ये होगा यही होगा। ठीक है अब इसके अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन है ये है तो इसके अल्फा हाइड्रोजन के क्या हो जाए दो हाइड्रोजन निकल जाए और इसका एक ऑक्सीजन निकल जाए। ठीक है और बाकी यहाँ से क्या बन जाए एसिड फॉर्म हो जाए। ठीक है यहाँ से एसिड फॉर्म हो जाए तो क्या बनेगा देखिए ये वाला बेंजीनिंग एज इट इज आ गया। ठीक है इसका CH आया और डबल बॉन्ड आ गया H2 मॉलिक्यूल यहीं से तो निकल रहा है यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है तो डबल बॉन्ड आया और इसके बीच में डबल बॉन्ड खींचा तो CH आया यहाँ से और सी डबल बॉन्ड OH आ गया ये वाला सी डबल बॉन्ड OH लिख दिया अपन ने। ठीक है तो क्या बना अपना सिनेमिक एसिड। अब इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पर इसका ये अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है ये वाला तो इस पर ये वाला CH O हटा इसके दोनों हाइड्रोजन गए इससे कार्बन से जुड़ा इस वाले कार्बन से और ये वाला कार्बन मिथाइल ग्रुप ऊपर जुड़ गया और यहाँ पर आया सी डबल बॉन्ड ओ एच। समझ में आ रहा है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है एक बार वापस बता देती हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थोड़ा दोबारा से समझ लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ एच इस तरीके से है ये CHO ग्रुप। ठीक है इसका हमें ऑक्सीजन निकालना है और किसकी प्रेजेंस में हो रही है एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में तो एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में होगी इस वाली रिएक्शन को बता रही हूँ। तो यहाँ पर CH2 है और ये CH3 और ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री। ठीक है हमें एसिड इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है यहाँ पर H आ जाता है और यहाँ OH तो ये वाला मॉलिक्यूल तो अलग ऐसे ही हो गया और यहाँ पर OH आ गया। ठीक है ये वाला ग्रुप अपना सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप बन गया। अब यहाँ से अपन को वाटर मॉलिक्यूल निकालना है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा यहाँ हाइड्रोलाइसिस करा देगा। ठीक है तो अपना क्या बन गया देखिए ये बना सी डबल बॉन्ड यहाँ CH आया ये CH ही है। ठीक है सी डबल बॉन्ड और ये कार्बन और इससे क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप। ध्यान रखना कि अल्फा हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्शन कराई जा रही है और OH तो ये वाला अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। देखिए यही वाला प्रोडक्ट बन रहा है बेंजीन रिंग है CH है डबल बॉन्ड है C फिर CH3 सी डबल बॉन्ड OH।
समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं सिनेमिक एसिड, और इस वाले प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं अल्फा मिथाइल सिनेमिक एसिड। क्वेश्चंस में पूछूंगी मैं आप लोगों से, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का नोवल्ज़ेन रिएक्शन, वही वाटर मॉलिक्यूल हटाना है। इस ये तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, यहाँ से अपन ने वाटर मॉलिक्यूल हटाया और इसका क्या करा दिया, हाइड्रोलाइसिस करा दिया। हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद ये जो एस्टर ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाता है, एसिड के अंदर। तो देखिए सीधा सीधा प्रोडक्ट ये बन गया, ठीक है। अब ये दोनों पड़ोसी बड़े ही खराब हैं, जब ये दोनों आपस में पास पास आते हैं और एक ही कार्बन से जुड़े हुए होते हैं तो क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, और झगड़ा करके क्या निकाल देते हैं, CO2 गैस निकाल देते हैं। देखिए CO2 गैस निकाल देंगे तो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, हाइड्रोजन इसका और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये फॉर्म कर लेते हैं। तो समझ में आया सिनेमिक समझ में आया नोवल्ज़ेन रिएक्शन, किसकी, मेलोनिक एस्टर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, किस अपन की जो अपना एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो किसके साथ रिएक्शन कराता है, करता है मेलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन करता है, किसकी प्रेजेंस में करता है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है। देन क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले अपन देखते हैं हाइड्रोजन हटता है, फिर ये करता है, फिर एच टू मॉलिक्यूल निकल जाता है, देन अपन का ये, अपन को सीधा प्रोडक्ट याद रखना है, प्रोडक्ट से ही काम है, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों पास पास में आ जाएंगे तो CO2 निकाल देंगे, देन अपना प्रोडक्ट ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिफॉर्मेटस की रिएक्शन, इट इज ऑल्सो गिवन बाय बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये दोनों ही दे सकते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइडिक ग्रुप RCHO और एरोमेटिक एल्डिहाइडिक ग्रुप दिस, ठीक है। इन दिस रिएक्शन एन एल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद अल्फा ब्रोमो एस्टर, ठीक है, अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, क्या देता है, इसका प्रोडक्ट याद रखना है कि रिफॉर्मेटस की रिएक्शन के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर फॉर्म होता है, विच अल्टीमेटली फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड एंड हाइड्रोलाइसिस ऑन हीटिंग, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे किसके साथ कराई जा रही है, इथाइल ब्रोमो एसीटेट, किसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में कराई जाएगी। तो ZnBr बीआर यहाँ जुड़ेगा, इस पर ये Br- माइनस हटकर यहाँ पर CH2 नेगेटिव आ जाएगा और CH2 नेगेटिव अल्टीमेटली इस वाले कार्बन पर अटैक कर देगा, ठीक है। RCH फिर यहाँ पर ये वाला पूरा ग्रुप आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। इसका हाइड्रोलाइसिस कराया, हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद क्या होगा, ये एस्टरिक जो ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा। फिर इसको हीट कराया तो ये OH और इसका हाइड्रोजन, इसके पास वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकल कर क्या बना लेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ये लिखा हुआ है आगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन के अंदर जो बेंजाल्डिहाइड है ये क्या है अपना, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, यही है। तो बेंजाल्डिहाइड दूसरे बेंजाल्डिहाइड कंडेंसेशन आ जाए तो सेम मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, वो रिएक्ट करता है और किसकी प्रेजेंस में करता है, ये याद रखना है, KCN की प्रेजेंस में करता है। तो अपना क्या होगा, इसके अंदर CN- माइनस इस पर अटैक करता है, देन अपना क्या बनता है, बेंजोइन फॉर्म होता है। बेंजोइन में क्या होता है, C6H5 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इसके अंदर साथ में जो दूसरा बेंजाल्डिहाइड ग्रुप होता है उसमें OH ग्रुप में चेंज हो जाता है, ये वाला ऑक्सीजन किस में चेंज हो जाता है, OH के अंदर चेंज हो जाता है। अगर OH के अंदर चेंज होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन रिडक्शन हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, बेंजोइन कंडेंसेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मैनेज रिएक्शन, मैनेज रिएक्शन के अंदर देखिए क्या होता है कि हमने क्या लिया, एल्डिहाइड या कीटोन लिया, उसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और साथ में सेकेंडरी एमीन के साथ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का तो ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन और इस एमीन का हाइड्रोजन आपस में निकल जाते हैं, किसकी फॉर्म में, माइनस H2O की फॉर्म में निकल जाते हैं। तो देखिए C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2, ठीक है, इसका ऑक्सीजन निकला तो यहाँ क्या बच गया, CH2, फिर देन सेकेंडरी अमीन का नाइट्रोजन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन निकला तो NCH3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मैनेज बेस, ठीक है। समझ में आया, क्या निकल रहा है, H2O निकल रहा है, जो फॉर्मेल्डिहाइड बीच में लिया हुआ है उसका ऑक्सीजन निकालना है, दोनों साइड जो अपन ने सेकेंडरी अमीन ली है या इधर लिया है अपन ने क्या, एल्डिहाइड या कीटोन लिया है, उसका हमने HH निकाल दिया तो क्या निकल गया, अल्टीमेटली वाटर मॉलिक्यूल निकला और क्या बन गया, हमारा मैनेज बेस बन गया। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का टॉपिक पॉलीमराइजेशन
रिएक्शन। अभी तक तो अपन कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे थे, पहले हमने कौन सी पढ़ी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर हमने रिडक्शन पढ़ा, फिर ऑक्सीडेशन पढ़ा, और उसके बाद हमने अल्फा हाइड्रोजन वाली रिएक्शन पढ़ी। नेक्स्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, मतलब जैसे अपना एल्डिहाइड ग्रुप है वो आपस में पॉलीमराइज होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं अलग अलग तरीके के। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का एडिशन रिएक्शन। तो इसके अंदर देखिए क्या होता है, एडिशन रिएक्शन के अंदर ये होता है कि एक फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, फिर तीसरे फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, और एडिशन एडिशन करता जाएगा, कोई छोटा मॉलिक्यूल नहीं निकालेगा। देखिए इसके अंदर देखिए, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज हीटेड, अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को क्या कराया जाए, हीट कराया जाए, देन इट कन्वर्ट्स इंटू अ वाइट क्रिस्टेलाइन सॉलिड, किसके अंदर चेंज हो जाता है, व्हाइट क्रिस्टेलाइन सॉलिड के अंदर चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 6 से ज़्यादा होनी चाहिए और 100 से कम होनी चाहिए। अब ये जब 50 का मान ज़्यादा है, मतलब 50 है या फिर 50 से कम है, तब तो हमारा कैसा बनेगा, लीनियर स्ट्रक्चर वाला पॉलीमर बनेगा, लेकिन जब 50 से ज़्यादा है एन का मान, जब हमारे फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल 50 से ज़्यादा आपस में रिएक्ट करके कौन से बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर फॉर्म करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए मैंने आप लोगों का ये लेकर आई हूँ, ये आप लोगों की NCERT के अंदर नहीं है, नीट वाले बच्चे हो, नीट में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ध्यान से पढ़ें। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, समझ में आया, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज हीटेड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड अगर हीट किया जाएगा तब क्या होगा, उसमें उसके मॉलिक्यूल 6 से ज़्यादा मॉलिक्यूल और 100 से कम मॉलिक्यूल आपस में क्या मिलेंगे, मिल जाएंगे और एडिशन शो करेंगे और क्या बना देंगे, पैरा एल्डिहाइड फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अगर ये 50 से कम है या फिर 50 है तब तो लीनियर स्ट्रक्चर वाला बनेगा, अगर ये 50 से ज़्यादा है तब ये कैसा बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले पॉलीमर फॉर्म करते हैं। देखिए नेक्स्ट आप लोगों का आता है, इफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कैप्ट विद कंसेंट्रेट H2SO4, कंसेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई जाती है, देन इट फॉर्म्स अ साइक्लिक ट्राइमर, क्या बनाता है, साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म करता है, इसका नाम क्या होता है, मेटा एल्डिहाइड। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, ट्राइऑक्सेन। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, H2SO4 के साथ, तब क्या बनाता है ये, ट्राइऑक्सेन। किस तरीके से बनती है इसकी स्ट्रक्चर, अपन पहले हेक्सागन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक छोड़कर CH2 और यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को फर्स्ट नंबरिंग करेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 1, 3, 5 ट्राइऑक्सीन भी बोल सकते हैं इसको, सिमेट्रिक ट्राइऑक्सीन भी बोल सकते हैं, ट्राइऑक्सीमिथाइलिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका और क्या नाम है, मेटा फॉर्मेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। इन ध्यान रखना, चारों ही ऑप्शंस में आ जाएंगे और पूछेंगे क्या बन रहा है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कैप्ट विद लाइम वाटर, लाइम वाटर के साथ रखा जाता है, लाइम वाटर क्या है, COH का होल ट्वाइस, इन डार्क रूम फॉर 5 to 6 days, डार्क रूम के अंदर 5 to 6 days के लिए रखा जाता है, इट कन्वर्ट्स इंटू अ स्वीट सॉल्यूशन ऑफ कॉल्ड फार्मोस, क्या बोलते हैं उसको, फार्मोस बोलते हैं, C6H12O6। ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलीमर, ये किसका एग्जाम्पल है, लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल है। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, अमोनिया के साथ। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन अमोनिया के साथ भी देता है और साथ में ये किसके साथ देता है, फिनॉल के साथ भी देता है। ठीक है, जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तब क्या बनाता है, यूरोट्रोपिन फॉर्म करता है, यूरोट्रोपिन फॉर्म करता है, इसका नाम क्या है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एमिनो फॉर्म। तो देखिए यही लिखा हुआ है, व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड इज हीटेड विद NH3 देन वाइट क्रिस्टेलाइन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, और इससे जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो कैसा होता है, वाइट कलर का क्रिस्टेलाइन सॉलिड फॉर्म होता है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन। ठीक है, देखिए यही बन रहा है, 6 मॉलिक्यूल इसके काम में आ रहे हैं और NH3 तो हेक्सामिथाइलिन, हेक्सा है तो हेक्सामिथाइलिन टेट्रा एमीन और वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, वही हेक्सागन बना लें पहले, देखिए नाइट्रोजन
और यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन, ये CH2 और ये CH2, ठीक है। यहाँ बीच में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में CH2, इसके बीच में CH2 और इसके बीच में CH2 बन गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन किस में यूज़ में आता है, डायबिटिक पेशेंट को और यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए यूज़ में आता है मेडिसिन के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है विद फिनॉल, बताया था अभी, फिनॉल के साथ भी क्या करता है ये, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देता है और उसके साथ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, बैकेलाइट फॉर्म करता है। तो पहले क्या करेगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल के साथ रिएक्शन करके ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल फॉर्म कर लेता है इस तरीके से, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म करेगा। फिर आपस में ये क्या करेंगे, कंडेंस होंगे, ठीक है। तो पॉलीमराइज होकर क्या बना लेते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर फॉर्म कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बैकेलाइट बोलते हैं। देखिए इस तरीके से फिनॉल है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराई जा रही है और वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो ये कैसा होता है, इलेक्ट्रिक और थर्मल रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका यूज़ किस में किया जाता है, इलेक्ट्रिक के अंदर किया जाता है। और ये किस जिस रिएक्शन के थ्रू होती है उसको क्या बोलते हैं, लेडरर मानेस रिएक्शन, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एसीटाल्डिहाइड। हम किसका पहले हम किसका पढ़ रहे थे, फॉर्मेल्डिहाइड का, अभी हम किसका पढ़ रहे हैं, CH3CHO का, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में हो रही है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हो रही है, एट रूम टेम्परेचर पर हो रही है, क्या बनाएगा, साइक्लिक ट्राइमर। उसके अंदर भी साइक्लिक ट्राइमर बना रहा था, क्या बोल रहे थे उसको, ट्रायोक्सिन बोल रहे थे। इसके अंदर जो साइक्लिक ट्राइमर बनेगा उसको क्या बोलते हैं, पैरा एल्डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरा एल्डिहाइड बोलते हैं। CH3CHO की रिएक्शन वही कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराई जा रही है, रूम टेम्परेचर पर ट्राइमर फॉर्म किया इसका, तो इसको क्या बोला, पैरा एल्डिहाइड बोलते हैं। पैरा एल्डिहाइड इस कैसा होता है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, देखिए इसमें एरोमेटिसिटी है क्या, नहीं है, ठीक है। इस नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड 2,4,6 ट्राइमिथाइल, देखिए 1,2,3,4,5,6, ठीक है, तो 2,4,6 ट्राइमिथाइल 1,3,5 ट्राइऑक्सिन, इसको ये भी बोल सकते हैं। और इसका यूज किस में किया जाता है, हिप्नोटिक के रूप में यूज में किया जाता है। इफ एसीटाल्डिहाइड इज कैप्ड विद हाईली कंसंट्रेटेड HCl, हाईली कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में किया जाता है एट लो टेम्परेचर, कहां पर, लो टेम्परेचर रखा जाए, तब क्या बनाता है ये, मेटाएल्डिहाइड। देखिए CH3CHO ड्राई HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटाएल्डिहाइड फॉर्म कर रहा है। मेटाएल्डिहाइड इज यूज्ड एज अ स्मोकलेस पाउडर, मतलब ये ऐसा पाउडर है कि इससे धुआं नहीं उत्पन्न होता, ठीक है। तो इसीलिए मेटाएल्डिहाइड किस में यूज किया जाता है, सॉलिड फ्यूल के रूप में यूज में लिया जाएगा। और पैराएल्डिहाइड इज यूज्ड एज अ सेडेटिव, और इसका यूज किस तरीके से किया जाता है, सेडेटिव के रूप में यूज में लिया जाता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एसीटाल्डिहाइड, एसीटाल्डिहाइड का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देखते हैं। तो ये एसीटाल्डिहाइड है, इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर NH2 नेगेटिव और हाइड्रोजन, NH2 नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और हाइड्रोजन कहाँ आ गया है, यहाँ, तो एसीटाल्डिहाइड अमोनिया फॉर्म कर लिया। अब NH2 का हाइड्रोजन और इसका OH आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, क्या निकाल देंगे, H2O निकाल देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड एमीन फॉर्म कर लिया। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एसीटोन, इफ एसीटोन इज हीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4, वही कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट किया जाएगा, देन एन एरोमेटिक कंपाउंड इज फॉर्म कॉल्ड 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, क्या बनाएगा, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन और मैसिटिलीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसके अंदर तो देखिए एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा था, एसीटाल्डिहाइड के अंदर भी एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा था। जब एसीटोन की रिएक्शन कराई जा रही है तब अपन को क्या मिल रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो देखिए ये जो बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, मैसेटिलीन बोलते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने देखा केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी कि वो कौन सी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि उसकी मिथाइलिन ग्रुप है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, और अभी लास्ट में हमने देखा
कि पॉलीमराइजेशन कैसे कैसे किस किस तरीके से हो रहा है। तो पॉलीमराइजेशन अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आज का वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, कॉपी पेन लेकर देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली इस यूनिट में से क्वेश्चन आता ही आता है आप लोगों का, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।